हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रंग बिरंगे मल्टी कलर ट्यूलिप फ्लावर्स बनाने का आसान तरीका, जिसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। वेलकम टू फरिश्ता क्राफ्ट। जिसे बनाने के लिए आवश्यकता होगी दो यार्न बॉल की, एक क्रोचेट हुक चाहिए रहेगा, कैंची, सिलने के लिए सुई, चिपकाने के लिए फेविकॉल एडहेसिव चाहिए रहेगा, दो इस प्रकार की वायर चाहिए रहेंगी, ये स्टेम के लिए यूज होगी, और ये वाली वायर हमें पत्ती लीफ के लिए चाहिए रहेगी, एक प्लायर चाहिए रहेगा और थोड़ा सा हमें फाइबर फिलिंग के लिए चाहिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ओसवाल यार्न का यूज किया है। तो चलिए राउंड वन की शुरुआत करते हैं मैजिक रिंग बनाते हुए। इस प्रकार से मैजिक रिंग बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ। क्रोशिया हुक को इस प्रकार से आप रखेंगे और इस प्रकार खींचते हुए यार्न को आप आगे लेके आएंगे और एक चेन बना लेंगे और थोड़ा सा मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। अब मैजिक रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है 7 बार। एक, दो, तीन सिंगल क्रोशिया, ये चौथा सिंगल क्रोशिया, ये पांचवा सिंगल क्रोशिया, ये छठा सिंगल क्रोशिया और ये सातवां सिंगल क्रोशिया। अब हमें टेल यार्न को पुल करना है, खींच लेना है, जिससे मैजिक सर्कल टाइट हो जाएगा। और अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारा राउंड वन यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्लिप स्टिच करने के बाद टेल यार्न को एक बार और खींच लीजिए हल्का सा। अब एक चेन बनाएंगे और सेम नीचे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है 2 बार। एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब इस प्रकार आगे की प्रत्येक नीचे वाली स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है एक ही स्टिच में। फर्स्ट राउंड में आपके पास 7 सिंगल क्रोशिया थे और अब सेकंड राउंड में आपके पास कुल 14 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रत्येक नीचे वाली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में करेंगे, तो वो 14 हो जाएंगे। इस प्रकार करते हुए आपको सेकंड राउंड को पूरा करना है। आखिरी में आपको स्लिप स्टिच करनी है, जिससे आपका दूसरा राउंड यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरे राउंड की शुरुआत के लिए एक चेन बनाएंगे और सेम नीचे वाली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और सेम में एक बार और दूसरा सिंगल क्रोशिया, और उसके आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके आगे वाली स्टिच में फिर से एक में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो 2, 1, 2 इस प्रकार से आपको तीसरे राउंड में करना है और तीसरे राउंड को इस प्रकार करते हुए पूरा करना है। लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर पूरा हो जाएगा। चौथे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। सेम नीचे वाली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में और उसके आगे की 2 स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये एक, ये नेक्स्ट में फिर 2 और उसके नेक्स्ट में फिर 2 बार एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ आपका पैटर्न होगा 2, 1, 1, 2 इस प्रकार करते हुए आपको
चौथे राउंड को पूरा करना है लास्ट में स्लिप स्टिच करते हुए। चार राउंड आपके पूरे हो गए यहाँ पर, अब पांचवा राउंड करेंगे। पांचवे राउंड के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और नीचे वाली सेम स्टिच में जाके हमें सिंगल क्रोशिया करना है एक बार। इस प्रकार आगे की प्रत्येक स्टिच में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए पांचवे राउंड को पूरा करना है। ये प्रक्रिया हमको दोहरानी है 15 राउंड तक। इस प्रकार हमें 15 राउंड और बनाने हैं, जिससे एक सीधापन स्ट्रेटनेस आ जाएगी। ये देखिए, ये लंबाई में 15 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं। लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें यार्न को कट नहीं करना है। ये देखिए, इस प्रकार हमें लूप में से यार्न निकालना है, उसको बल देते हुए एक गठान लगा लेनी है और थोड़ा सा यार्न को हमें एक्स्ट्रा बचाना है, उसे कैंची से कट कर देना है और उसमें सुई पिरो के हमें रख देनी है। अब देखिए, अब हम एक वायर लेंगे जिससे हम स्टेम बनाएंगे। इसको प्लायर से हम फोल्ड करेंगे। ये हमने प्लायर लिया और ये वायर हमारे हाथ में है। उल्टे हाथ में वायर है, सीधे हाथ में प्लायर है। अब हम इसे वायर को फोल्ड करेंगे इस प्रकार। पहले नोक वाला सिरा लेंगे, उसको इस प्रकार से बेंड करना है मोड़ते हुए, और इस प्रकार राउंड शेप में ले आना है, जिससे ये चुभेगी नहीं जब हम इसको फ्लावर के अंदर डालेंगे। इस प्रकार से आपको वायर को बेंड करना है। अब देखिए, ये जो आपने फ्लावर का पार्ट बनाया है, उसमें जो आपने मैजिक सर्कल बनाया था, उसके अंदर से वायर को पास करना है इस प्रकार। मैजिक सर्कल में से वायर निकल गई। अब आपको इसको फिल करना है फाइबर से। वायर के आजू बाजू पहले फाइबर फिल कर देंगे, जिससे वायर हमारी सिक्योर हो जाएगी, वो चुभेगी नहीं। और हम और फाइबर थोड़ा सा लेते हुए फ्लावर पार्ट में भरेंगे। इस प्रकार हमें फाइबर भरना है फ्लावर वाले भाग में। अब हम टैपस्ट्री निडल, स्वेटर सिलने वाली सुई की हेल्प से इसको सिलेंगे। सेंटर वाले पार्ट में आधे आधे पार्ट को डिवाइड कर देंगे और उसे सिलेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार मैं सिल रही हूं। अब अपोजिट साइड में सुई से धागे को पास करेंगे और इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में हमें फिर से सिलाई लगानी है इस प्रकार। अब हम इसे सिक्योर करेंगे, पक्का करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा धागा ऐसे छोड़ देंगे। जब हम वापसी आएंगे तो इस छोड़े हुए धागे में से हम सुई को निकालेंगे और इस प्रकार एक गठान लगा लेंगे, जिससे हमारा धागा टाइट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है ना फ्रेंड्स ट्यूलिप फ्लावर बनाना। अगर आपको बेसिक स्टिचेस आती है और आप क्रोशिया सीख रहे हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और लास्ट में हम इस प्रकार से सुई को पास करेंगे और सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में हम ऐसे निकाल लेंगे धागे को और एक्स्ट्रा धागे को यहाँ हम कट कर देंगे। तो ये फ्लावर वाला भाग हमारा बनके तैयार है।
एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देना है यहाँ। अब हम इस प्रकार लीफ पत्ती का भाग बनाएंगे और उसे स्टेम से फिर बाद में जोड़ देंगे। तो लीफ बनाने के लिए यहाँ हम एक वायर लेंगे। वायर को इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है इक्वल पार्ट्स में, दोनों भाग समान होने चाहिए। अब हम इसे पत्ती का शेप देंगे। हरे रंग का यूज करेंगे पत्ती को बनाने के लिए। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए यहां हमें 28 चेन बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साइड में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिला करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार एक बार नाप लेंगे। वैसे 28 चेन सफिशियंट है। इस प्रकार से हम वायर को लेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे धागे में और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे सबसे पहले। अब हम पहली चेन को छोड़ते हुए दूसरी चेन में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और इस प्रकार से पीछे से यार्न को आगे लाएंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके अगले स्टिच में फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा आराम से करें। अब यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तीन लूप्स हो गए क्रोचेट हुक में और तीन का एक कर देंगे, जिसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। वायर के साथ आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से करें। तो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे की 19 स्टिचेस में, जो हमने चेन बनाई हुई है। आगे की जो हमारी 19 चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। यार्न ओवर करके तीन लूप्स हो जाएंगे आपके हुक में, फिर यार्न ओवर करके तीन का दो, फिर यार्न ओवर करके दो का एक कर देंगे, जिसे डबल क्रोशिया कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ट्यूलिप फ्लावर को बनाते हैं तो मुझे FB पे या इंस्टा पे, या अगर आप दोनों पे नहीं हैं तो मुझे आप YouTube पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे खुशी होगी। और मुझे ये भी बताएं कि आपको ट्यूलिप फ्लावर कैसा लगा और आपने कितने ट्यूलिप फ्लावर्स बनाए हैं। इसे आप फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं उनके बर्थडेज पे, और आप ड्राइंग रूम में रख के अपने वासेस में फ्लावर पॉट में इस फ्लावर को रख के अपने ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी ड्राइंग रूम या बेडरूम की ब्यूटी इन्हांस होगी, बढ़ेगी ब्यूटी उसकी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में दो बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। आशा करती हूं आपको ये बहुत आसान लग रही होगी लीफ पार्ट बनाना। सबसे पहले हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर दो बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 19 बार हमने किया डबल क्रोशिया, और फिर हमने 19 के बाद आगे की दो स्टिचेस में किया हाफ डबल क्रोशिया और फिर दो बार सिंगल क्रोशिया। ये आपका लीफ का एक साइड का भाग बन गया। अब देखिए, यहां पर एक बार आपको स्लिप स्टिच करनी है और एक चेन बनानी है।
अब हम दूसरी वाली वायर पे काम करेंगे, जिसके लिए यार्न ओवर पहले ऐसे आपको एंटर करना है क्रोचेटो को और फिर यार्न ओवर करते हुए सिंगल क्रोशिया करना है दो बार। जिस प्रकार आपने पहली रो बनाई है सेम स्टिचेस को उस प्रकार से आपको अब दोहराना है। दो बार सिंगल क्रोशिया करना है, दो बार हाफ डबल क्रोशिया, 19 बार डबल क्रोशिया, फिर दो बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर दो बार सिंगल क्रोशिया। इस प्रकार आपको दूसरी पंक्ति में दोहराना है, रिपीट करना है। आप वायर की जगह फूलझड़ी की वायर या घर में आपके नॉर्मल वायर्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। तो लास्ट में इस प्रकार से आपको शेप देना है पत्ती को, थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए और थोड़ा सा ऐसे लूप छोड़ देना है और धागा कट कर लेना है। अब आप इसको एक दो बार ऐसे बल दे दीजिए, गठान लगा दीजिए, जिससे आपका धागा सिक्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको लपेटते हुए फेविकॉल को लगाएंगे और जो बचा हुआ धागा है उसको ऐसे रोल कर देंगे। तो ये आपकी पत्ती बनके तैयार है। अब हम इस पत्ती को स्टेम के ऊपर लगाएंगे। जिसके लिए पहले हम जो हमने स्टेम बना के रखी है फ्लावर की, उस पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे फ्लावर के मैजिक सर्कल की साइड में। और अब हम इस फेविकॉल पे हरे रंग का यार्न लपेटना शुरू करेंगे, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। बीच में हमें कहीं फेविकॉल नहीं लगाना है। तो इस प्रकार आप सीधे हाथ से रोल करते जाइए और उल्टे हाथ में धागा पकड़े हुए इस प्रकार से सीधे हाथ को घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका धागा रोल होता जाएगा। बहुत आसान है फ्रेंड्स, दिख रहा है ना कितना आसान। ऐसे ही आप बनाएंगे तो आपको और आसान लगेगा। अब हमने जो लीफ बना के रखी है उस लीफ को लेंगे और उसकी डायरेक्शन देखेंगे। उल्टी डायरेक्शन को हमें फ्लावर की साइड रखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे और लीफ को इस फेविकॉल के ऊपर उल्टी डायरेक्शन फेविकॉल की साइड आएगी, सीधी डायरेक्शन बाहर की साइड आएगी। इस प्रकार से रखेंगे और थोड़ा सा फेविकॉल और लगा लेंगे। अब हम यार्न को ऐसे लपेटेंगे। थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होता है यार्न को लपेटना इस समय, और फिर उसके बाद तो आपको जैसे पहले लपेटा है आपने यार्न वैसे ही लपेटना है। और लास्ट में फेविकॉल लगा देंगे, एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे और इस प्रकार आपका स्टैम्प भाग रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आपका फ्लावर रेडी हो गया है ना कितना सुंदर फ्रेंड्स, और इसको बनाना भी आसान है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग रंग के ट्यूलिप फ्लावर बना के रखे हुए हैं। तो इस प्रकार आप भी मल्टी कलर ट्यूलिप फ्लावर्स बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छा लगेगा। और हाथ द्वारा बनाई हुई चीज की तो बात ही अलग होती है। इसको आप बनाकर अपने फ्लावर पॉट में वासेस में रख के अपने ड्राइंग रूम की शोभा को भी बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ ये फ्लावर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और जल्दी ही आप ऐसे फ्लावर्स बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी क्रोचेटिंग।